पहले तो मैं आपकी टीम को बधाई देता हूँ भाई कि इतने कम समय में आप लोगों ने अच्छी जगह बनाई है और एक प्रकार से ग्रासरूट लेवल की जो बारीक बारीक जानकारियाँ हैं वो शायद आपके माध्यम से जल्दी पहुँचती है, तो आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि आजकल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को लेकर पाकिस्तान में इतना एंडोर्समेंट क्यों मिल रहा है, आपको क्या लगता है? और 370 खत्म होने से लेकर आज तक हर मौके पर पाकिस्तान से उनके पक्ष में आवाज़ें आती हैं। देखिए, चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग कम पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए, लेकिन आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी लाने की बात कही है, अगली सरकार जब आपकी आएगी तो आप क्या करने जा रहे हैं? क्या जनता से लूटा हुआ पैसा उनको वापस किसी योजना या विशेष नीति के जरिए क्या वापस पहुंचाने की कोई योजना है? आपका सवाल बहुत ही रिलेवेंट है, क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान का मानस क्या है। भारत के लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, दीमक की तरह भ्रष्टाचार देश की सारी व्यवस्थाओं को खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार के लिए आवाज भी बहुत उठती है। जब मैं 2013-14 में चुनाव के समय भाषण करता था और मैं भ्रष्टाचार की बातें बताता था तो लोग अपना रोष व्यक्त करते थे, लोग चाहते थे हाँ कुछ होना चाहिए। अब हमने आकर के सिस्टमेटिकली उन चीज़ों को करने पर बल दिया कि सिस्टम में ऐसे कौन से दोष हैं। अगर देश पॉलिसी ड्रिवन है, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें अवेलेबल है, भाई ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट के बाहर जाना है तो आप नहीं कर सकते तो कोई और करेगा। मैंने उस पर बल दिया, ये बात सही है कि लेकिन ग्रे एरिया मिनिमल हो जाता है जब ब्लैक एंड वाइट में पॉलिसी होती है और उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई संभावना नहीं होती है। तो हमने एक तो पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस पर बल दिया, दूसरा हमने स्कीम्स जो हैं उसको सैचुरेशन पर बल दिया कि भाई 100% जो स्कीम जिनके लिए हैं उन बेनिफिशरी को 100%, जब 100% है तो लोगों को पता है मुझे मिलने ही वाला है, तो करप्शन के लिए कोई जगह ढूंढेगा नहीं। करप्शन करने वाले भी कर नहीं सकते क्योंकि वो कैसे कैसे कहेंगे, हाँ हो सकता है किसी को जनवरी मिलने वाला मार्च में मिले अप्रैल में मिले हो सकता है, लेकिन उसको पता है कि मिलेगा। और मेरे हिसाब से सैचुरेशन करप्शन फ्री गवर्नेंस की गारंटी देता है, सैचुरेशन सोशल जस्टिस की गारंटी देता है, सैचुरेशन सेकुलरिज्म की गारंटी देता है। ऐसे त्रिविध बेनिफिट वाली हमारी दूसरी स्कीम। तीसरा मेरा प्रयास रहा कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, टेक्नोलॉजी पर भी क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में का अब 38 लाख करोड़ रुपीज़ करीब ट्रांसफ़र किए हमने। अगर राजीव गांधी के ज़माने की बात करें कि 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है, तो 38 लाख करोड़
तो हो सकता है 25-30 लाख करोड़ रुपया ऐसे ही गबन हो जाते। तो हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज़ उठती थी कि करप्शन तो हुआ लेकिन उन्होंने किसी छठे आदमी को स्लीपर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे, जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस, दूसरा तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है, अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव घड़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो बड़े छूट जाते हैं, जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, बड़े लोग पकड़े जाने लगे तो अब आप चिल्लाने लगे हो। दूसरा, पकड़ने का काम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कानून करती है, उसको जेल में रखना कि बाहर रखना, उसके प्रति केस ठीक है नहीं है ये न्यायालय तय करता है, उसमें मोदी का कोई रोल नहीं है, इलेक्टेड बॉडी का कोई रोल नहीं है। लेकिन आजकल मैं हैरान हूँ, दूसरा जो देश के लिए चिंता का विषय है वो भ्रष्ट लोगों का महिमा मंडन है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे, आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। तीसरा प्रॉब्लम है, जो लोग कल तक जिन बातों की वकालत करते थे आज अगर वही चीज़ें हो रही हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो वही लोग कहते थे सोनिया जी को जेल में बंद कर दो, फलाने को जेल में बंद कर दो, और आप वही लोग चिल्लाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे भाई बताइए छोटे लोग जेलने जाने के मगरमच्छ जलने चाहिए, पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग। प्रधानमंत्री जी, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सबने गरीबी हटाने की बात तो की, लेकिन जब आप आए तो आपने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया, इसको लेकर कैसे रणनीति तैयार करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या फिर पीएम विश्वकर्मा योजना हो, मतलब नीचे से ग्रासरूट लेवल से आपने योजना की। देखिए हमारे देश में जो नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने देश का इतना नुकसान किया। पहले चीज़ें बाहर से आती थी तो कहते देखिए देश को बेच रहे हैं, सब बाहर से लाते हैं। आज जब देश में बन रहा है तो ये लोग कहते हैं देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और आप लोग अपने देश की बातें करते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि देश को इस प्रकार से गुमराह करने वाले इन एलिमेंट्स से देश को कैसे बचाया जाए। दूसरी बात है, अगर अमेरिका में कोई कहता है बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, उसको तो हम सीना तान करके गर्व करते हैं, लेकिन मोदी कहता है वोकल फॉर लोकल तो लोगों को लगता है देखिए ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। तो इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने वाली की प्रवृत्ति चलती है। जहाँ तक भारत जैसा देश जिसके पास मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, अब मैं ऐसी तो गलती नहीं कर सकता कि मैं गेहूं एक्सपोर्ट करूं और ब्रेड इंपोर्ट करूं। मैं तो चाहूंगा मेरे देश में ही गेहूं का आटा निकले, मेरे देश में ही गेहूँ का ब्रेड बने, मेरे देश को लोगों को रोज़गार मिले। तो मेरा आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसके पीछे पहला मेरा मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरे देश के टैलेंट को अवसर मिले, मेरे देश के युवा को रोज़गार मिले, मेरे देश का धन बाहर न जाए, मेरे देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका वैल्यू एडिशन हो, मेरे देश के अंदर किसान जो काम करता है
उसकी जो प्रोडक्ट हैं उसका वैल्यूएशन हो, वो ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करें। और इसलिए मैंने विदेश विभाग को भी कहा है कि भाई आपकी सफलता को मैं तीन आधारों से देखूंगा। एक, भारत से कितना सामान आप जिस देश में हैं वहाँ पर खरीदा जाता है। दूसरा, उस देश में बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है जो अभी तक भारत में नहीं है, वो टेक्नोलॉजी भारत में कैसे आ सकती है। और तीसरा, उस देश में से कितने टूरिस्ट भारत भेजते हो आप, ये मेरा क्राइटेरिया रहेगा। तो मैं हर चीज़ में सेंटर में मेरा नेशन, सेंटर में मेरा भारत और नेशन फर्स्ट, इस मिजाज से ही हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आप विश्वकर्मा के बारे में सोचते हैं, नाई लोहार सुनार मोची इनकी ज़रूरतों को समझते हैं, इनसे मिलते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो गेमर्स से आप मिलते हैं, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में आप बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं, और इनकी जो ज़रूरत है, इनका जो महत्वता है वो लोगों को भी बताते हैं आप, इतनी डाइवर्स स्ट्रेटजी कैसे आप सोच लेते हैं? आप देखिए, भारत विविधताओं से भरा हुआ है और कोई देश एक पिलर पे बड़ा नहीं हो सकता है। मैंने एक मिशन लिया, हर डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर हमने बल दिया। क्यों? भारत इतना विविधता भरा जा देश है कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी एक आगे ताकत है। मैं चाहता हूँ इसको हम लोगों के सामने लाए। और आज मैं कभी विदेश जाता हूँ तो मुझे चीज़ें कौन सी ले जाऊँ उसका कोई उलझन नहीं होती है। मैं सिर्फ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग देखता हूँ तो मुझे लगता है यूरोप जाऊँगा तो ये लेके जाऊँगा, अफ्रीका जाऊँगा तो ये लेके जाऊँगा, और हर एक को लगता है इस देश में, यानी ये पहलू। दूसरा, हमने G20 हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में किया। क्यों? दुनिया को पता चले कि दिल्ली यही हिंदुस्तान नहीं है भाई। आप ताजमहल देखें तो टूरिज्म पूरा नहीं होता है मेरे देश का। मेरे देश में इतना पोटेंशियल है, मेरे देश को जानिए समझिए। और इस बार हमने G20 का उपयोग भारत को विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाने के लिए किया, दुनिया की भारत के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़े, इसमें हमने बड़ी सफलता पाई है। क्योंकि दुनिया के करीब 1,00,000 नीति निर्धारक ऐसे लोग G20 समूहों की मीटिंगों में, 200 मीटिंगें हुई, आए, अलग अलग जगह पे गए, उन्होंने वो जगह को देखा, सुना भी नहीं था, देखा, वो अपने देश के साथ कोरिलेट करने लगे, वो वहाँ जाकर के बातें करने लगे। मैं देख रहा हूँ G20 के कारण लोग आजकल काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ भेज रहे हैं, तो मेरे देश का टूरिज्म उसी प्रकार से। आपने देखा कि मैंने स्टार्टअप वालों की भी मीटिंग की थी, मैं वर्कशॉप करता था। आज से मैं 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, शुरू में, यानी मैं 14 में आया, उसके 15-16 के भीतर मैंने जो नए स्टार्टअप्स की दुनिया शुरू हुई उनकी मैंने ऐसे वर्कशॉप किए। तो मैं अलग अलग, कभी मैंने स्पोर्ट्स पर्सन्स की, कभी मैंने कोचिज की, इतना ही नहीं मैंने फिल्म दुनिया वालों के साथ भी ऐसे ही एक मीटिंग की। मैं जानता हूँ कि वो बिरादरी हमारे विचारों से काफ़ी दूर है, मेरी सरकार से भी दूर है, लेकिन मेरा काम था उनकी समस्याओं को समझूँ। क्योंकि बॉलीवुड अगर ग्लोबल मार्केट में मुझे उपयोगी होता है, अगर मेरे तेलुगु फिल्में दुनिया में पॉपुलर हो सकती है, मेरी तमिल फिल्में दुनिया में पॉपुलर हो सकती है, मुझे तो ग्लोबल मार्केट लेना चाहिए मेरे देश के हर चीज़ का। तो मैंने उसके तो आज यूट्यूब की दुनिया पैदा हुई तो मैंने उनको बुलाया कि भाई आप देश की क्या मदद कर सकते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, क्रिएटिव वर्ल्ड, गेमिंग। अब देखिए दुनिया का इतना बड़ा गेमिंग का मार्केट, भारत के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, और गेमिंग की दुनिया में कमाई कोई और करता है। तो मैंने सारे गेमिंग के एक्सपर्ट्स को बुलाया, पहले उनकी समस्याएं समझी, मैंने देश को कहा, मेरी सरकार को, मैंने कहा मुझे अब गेमिंग में भारत की लीडरशिप पक्की करनी है, इतना बड़ा फ्यूचर मार्केट है मेरे देश को, अब तो ओलंपिक में गेमिंग आया है तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे सर्व विषयों में एक साथ काम करने के मैं पक्ष में हूँ। उसी प्रकार से देश की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें गांव का एक मोची होगा, सोनार होगा, कपड़े सिलने वाला होगा, वो भी मेरे देश की बहुत बड़ी शक्ति है, मुझे उसको भी उतना ही तवज्जो देना होगा। और इसलिए मेरी सरकार
का इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होता है, होलिस्टिक अप्रोच होता है। प्रधानमंत्री जी, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, इसका विपक्ष ने मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आपकी सरकार की आज की तारीख में खास पहचान बन गए हैं और विदेशों में भी अब इस बात का संज्ञान लिया जा रहा है, उसका एक उदाहरण यूपीआई भी है। ये बात सही है कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट मैंने शुरू किया, तो शुरू में आरोप क्या लगाया इन्होंने, उन्होंने लगा कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी भलाई के लिए हो रहा है। इनको समझ ही नहीं आया कि क्षेत्र कितना बड़ा है और 21वीं सदी ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी आईटी ड्रिवन है, आईटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एआई, बहुत बड़े प्रभाव ये क्षेत्र बदलते जा रहे हैं। हमें फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देखना चाहिए। आज अगर यूपीआई न होता तो कोई मुझे बताए कोविड की लड़ाई हम कैसे लड़ते, दुनिया के समृद्ध देश भी अपने लोगों को पैसे होने के बावजूद भी दे नहीं पाए, हम आराम से दे सकते हैं। आज हम 11 करोड़ किसानों को 30 सेकंड के अंदर पैसा भेज सकते हैं। अब यूपीआई और इतनी यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि ये टैलेंट हमारे देश के नौजवानों में है, वो ऐसी प्रोडक्ट बना करके देते हैं कि कोई भी कॉमन मैन इसका उपयोग कर सकता है। आज मैंने कैसे कितने ही लोग देखे जो अपना सोशल मीडिया में अनुभव करते हैं कि हमने 6 मित्रों ने तय किया कि 6 महीने तक जेब में एक पैसा नहीं रखेंगे और देखते हैं क्या होता है। 6 महीने बोले बिना पैसे पूरी दुनिया में हम अपना काम कारोबार करके आ गए, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हर कसौटी पर खरा उतर रहा है। तो यूपीआई ने इन इन एक प्रकार से फिनटेक की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इसके कारण इन दिनों भारत के साथ जुड़े हुए कई देश यूपीआई से जुड़ने को तैयार है, क्योंकि अब फिनटेक का युग है, फिनटेक में भारत आज लीड कर रहा है। और इसलिए दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जब मैं इस विषय को चर्चा कर रहा था तो देश के बड़े बड़े विद्वान जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वे इसका मखौल उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, उनको भारत के पोटेंशियल का अंदाज ही नहीं था और टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य का भी अंदाज नहीं था। प्रधानमंत्री जी, हमारा आखिरी सवाल है, इस देश के युवा भारत का इतिहास लिखेंगे, ऐसा आप कई बार बोल चुके, और फर्स्ट वोटर जो होते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर, उनका जो कनेक्ट है मोदी जी के साथ, उसके पीछे का कारण क्या है? एक, मैं उनके एस्पिरेशंस को समझ पाता हूँ। जो पुरानी सोच है कि भाई वो घर में अपने पहले 5 थे तो अब 7 पे जाएगा, 7 पे तो 9, ऐसा नहीं है, वो 5 पर से भी सीधा 100 पे जाना चाहता है। आज का यूथ हर क्षेत्र में वो बड़ा जंप लगाना चाहता है। हमें वो लॉन्चिंग पैड क्रिएट करने चाहिए ताकि हमारे यूथ के एस्पिरेशंस को हम फुलफिल कर सकें। इसलिए यूथ को समझना चाहिए। मैं परीक्षा पे चर्चा करता हूँ और मैंने देखा है कि मुझे लाखों युवकों से ऐसी बात करने का मौका मिलता है जो परीक्षा पे चर्चा की चर्चा चल रही है लेकिन वो 10 साल के बाद की बात करता है मेरे साथ। मतलब वो उसका वो एक नई जनरेशन है। अगर सरकारें और सरकार की लीडरशिप इस नई जनरेशन के एस्पिरेशन को समझने में विफल गई तो बहुत बड़ी गैप हो जाएगी। आपने देखा होगा कोविड में मैं बड़ा चिंतित था कि मेरे ये फर्स्ट टाइम वोटर जो अभी है वो कोविड के समय तो 14-15 साल के थे, 16 साल के थे, अगर ये 4 दीवारों में फंसे रहेंगे तो इनका बचपन मर जाएगा, उनकी जिंदगी जवानी आएगी नहीं, वो बचपन से सीधे बुढ़ापे में चला जाएगा, ये गैप कौन भरेगा? तो मैं उसके लिए चिंतित था। मैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करता था, मैं उनको समझाता था कि आप ये करिए आप, और इसलिए हमने डेटा एकदम सस्ता कर दिया। उस समय मेरा डेटा सस्ता करने के पीछे जो लॉजिक था कि वो इजीली इंटरनेट का उपयोग करते हुए नई दुनिया की तरफ मुड़े, और वो हुआ, उसका हमें बेनिफिट हुआ है। भारत ने कोविड की मुसीबतों को अवसर में पलटने में बहुत बड़ा रोल किया है और आज जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फिनटेक का जो रिवॉल्यूशन आया है, वो हमने आपत्ति को अवसर में पलटा उसके कारण आया है। तो मैं टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को समझता हूँ,
मैं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने। नमस्कार भैया, मैं आज भी आपको बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत प्रगति करें और देश को सही जानकारियां देते रहे। थैंक यू भैया, थैंक यू।